सवाल ये कि फोटो मोदी की लगाकर सरकार गांधी दर्शन को हटा रही है या फिर बढ़ावा दे रही है, और जिन चीजों के लिए बीजेपी कांग्रेस का विरोध करती है लगातार साल दर साल, क्या सरकार बनने के बाद वही सब चीजें बीजेपी नहीं कर रही? सेल्फ प्रमोशन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा के हर जगह पर। हमारे साथ संबित पात्रा है बीजेपी से, आलोक शर्मा है कांग्रेस से, प्रोफेसर राकेश सिन्हा है आरएसएस से जुड़े हैं, और राजीव रंजन है जेडीयू से। ब्रेक के पहले शोर शराबा काफी हो गया, राजीव रंजन आप अपनी बात कह रहे थे जो दब गई शोर में, आप पहले बात कह लें अपनी, मैं उम्मीद करता हूं बाकी लोग उसे सुनेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से ये पूरा वाकया है, ये कहीं ना कहीं पूरे देश में एक जल्दबाजी जो प्रधानमंत्री जी की है वो अब सामने आने लगी है। जिस तरह से ICCR को बदलने के, पूरे गवर्निंग बॉडी को बदलने की कोशिश हुई, जिस तरह से ICSR को बदलने की पूरी कोशिश हुई, यूनिवर्सिटीज़ में पूरी तरह से भगवा रुझान के बुद्धिजीवियों को वाइस चांसलर और वहाँ के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जा रहा है, उसी तरीके से ये वाकया सामने आया। और ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गांधीवादी मूल्य, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के एक सुनियोजित तरीके से इस देश में भारतीय जनता पार्टी RSS और NDA की सरकार एक रोड मैप पर काम कर रही है, और उसके ही हिसाब से ये सारे फैसले हो रहे हैं। ये जल्दबाजी में या बगैर सोचे समझे कोई लिया गया फैसला नहीं है, इसकी पूरी रणनीति तैयार है। आपको लगता है प्रधानमंत्री पहले पूछते होंगे, दिखाइए मुझे कौन से कैलेंडर पे मेरी फोटो लग रही है, कौन से पे नहीं लग रही, ये स्थितियां और बिगड़ सकती हैं अगर सेक्युलर फोर्सेज अगर मजबूती के साथ बना रही ना महागठबंधन आएंगे बिहार में, लगातार ये सिलसिला बढ़ने जा रहा है। विचार थोड़ा सा अलग है सर, आज विषय थोड़ा सा अलग है, आज चुनाव का विषय है नहीं सर, आज विचारधारा का विषय है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, आपको लगता है पीएम देखते होंगे पहले कि मेरी फोटो किस कैलेंडर या किस डायरी पे लग रही है, किस पे नहीं लग रही, पहली चीज। दूसरा मेरा सवाल, आपने कहा सब जगह अपने आदमी बैठा रहे हैं, मैं विनम्रता पूर्वक आपने कहा सब जगह अपने आदमी बैठा रहे हैं, तो सर मैंने आपको ये कहा देश में, रोहित जी सर इस देश में तरीके से सर इस देश में जब जब सरकारें बदलती है सब कुछ ऐसे बदलता है, जिक्र करके आज पूरे बहस को डिरेल करने की कोशिश की आपने, उनको राकेश जी को मना नहीं किया सर, मैं तो कह रहा हूँ कुछ कहा वो गांधीवादी दर्शन, गांधीवादी मूल्यों को लेकर। राकेश जी से पहले संबित पात्रा ने वो सवाल उठाया, मैंने आलोक जी से सवाल पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने पास दे दिया उनको, ठीक है वो जवाब नहीं देना चाहते, इस पे तो ना दें, मैं उन्हीं पर ये बात कह रहा हूँ। नहीं बिल्कुल, आप सवाल पूछिए, मैं आ सकता हूँ क्या? मैंने तो उनसे कह दिया कि आपको पास दे रहा हूँ मैं, आप नहीं देना चाहते इसका जवाब आलोक जी ना दें, और उन्होंने उसके बाद आगे बढ़ा दी बात, आप फिर भी वहीं अटके हुए हैं कि गांधी सरनेम कहां से आया, ये सवाल पूछ लिया उसको रोका नहीं। भाई विषय आज विवाद ही इस बात का हो रहा है ना, आज विवाद ही इस बात का हो रहा है सारा, कि गांधी की फोटो क्यों नहीं है, उनके जवाब हो सकते हैं, मैंने अलग बातें रखी है। ठीक है सर, मैं वापस आता हूं आपके पास। संबित पात्रा बोलिए अपनी बात, फिर मैं आलोक जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बिना लड़ाई झगड़ा के इस विषय को हम बड़े तार्किक रूप से रखना चाहिए। गांधी जी के दर्शन, आपने तर्क से ये बात रखी थी क्या कि वो गांधी सरनेम का दुरुपयोग कर रहे हैं, जब आप इस विषय को लेके आए तब आपने तर्क का ख्याल किया था क्या? मैं उस पर भी बताऊंगा आपका वो तर्क कहां चला जाता है, जब आप चुनाव से पहले कहते थे कि हर जगह गांधी गांधी लगाना चाहते हैं और आप हर जगह मोदी मोदी करें तो ठीक है। मैं बोल लूं रोहित जी, धन्यवाद। रोहित जी, अगर वो मेरा प्रश्न अतार्किक होता तो रोहित सरदाना भी वो सवाल आलोक जी से नहीं पूछता, रोहित सरदाना वो सवाल डस्टबिन में फेंक देते। आपको वो तर्कपूर्ण लगा तभी तो आपने आलोक जी से वो सवाल पूछा, बहरहाल मैं उसमें जाना नहीं चाहता। देखिए, स्वच्छता भारत के लिए और गांधी जी के मन में एक बहुत बड़ा दार्शनिक फिलॉसफी था, एक बहुत बड़ा दर्शन था। स्वच्छता को लेकर किस प्रकार से खुद आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों का यूज़ किया है वो क्या है, गांधी जी का चश्मा है। वहाँ कोई फोटो हमने किसी का तो नहीं लगाया, वो चश्मा आज पूरे हिंदुस्तान में गांधी जी देख रहे हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है कि नहीं, उसका आग्रह यही था। गांधी जी का दर्शन टॉयलेट भी था, शौचालय होना चाहिए, हमें अपना शौचालय खुद साफ करना चाहिए और शौचालय का प्रयोग करना चाहिए ताकि स्वस्थ भारत रहे। इस आप देखिए रोहित जी, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने टॉयलेट 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 इस शब्द का प्रयोग लाल किले के
प्रांगण से कितनी बार किया है आप निकाल के देखिए। मैं किसी भी पुराने प्रधानमंत्री की तरफ डिसरेस्पेक्टफुल नहीं हूँ, सभी आदरणीय हैं, मगर टॉयलेट को एक मेन कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में गांधी जी के दर्शन को ही नरेंद्र मोदी जी ने रखा। मैला ढोने वाले लोग उसको लेके नरेंद्र, मैं आपको सच बताऊं, हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है उसमें हर कार्यकारिणी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ही बात पे हमेशा रिपीट करते हैं कि जो मैला ढोने वाला है वो बंद होना चाहिए, और आप लोग जो कार्यकर्ता है इसको व्यक्तिगत रूप से राजनीति किए बगैर इसको देखिए, ठीक है। और ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? अगर खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नरेंद्र मोदी जी का फोटो छपा तो प्रमोशन के लिए कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप खरीदिए, खादी को प्रमोट करिए, महिलाओं को नौकरी मिलेगी, लोगों को 1.5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से आज जुड़े हुए हैं, 35% जंप हुआ, तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में देखिए ना, दर्शन तो गांधी जी का ही है, कौन कंटेस्ट कर रहा है इस चीज को? जो चरखा मोदी जी चला रहे हैं वो गांधी जी का वही आत्मा है, कोई गांधी जी को रिप्लेस कर सकता है? और इस तरह की सोच लाकर उस पर राजनीति करना मुझे लगता है ये बिल्कुल तर्कपूर्वक नहीं है। ठीक है सर, आलोक शर्मा, इससे पहले मैं इस बात पे आऊं कि आप लोगों में से कितने लोग खादी का कपड़ा पहन के बैठे हुए हैं, जो खादी का इतना यहाँ पर आज सम्मान बचाने के लिए आए हैं महात्मा गांधी के साथ साथ, मैं एक आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ, किसी दर्शक ने भेज दिया। राज्य सरकारों की कुल 25 योजनाओं के नाम राजीव गांधी के नाम पे हैं, 27 योजनाओं के नाम इंदिरा गांधी के नाम पे हैं। गांधी परिवार के नाम पर कुल 51 पुरस्कार चलते हैं, 39 मेडिकल संस्थान चलते हैं, 5 एयरपोर्ट हैं, 15 नेशनल पार्क और संग्रहालय हैं, 15 स्कॉलरशिप हैं, 74 बड़ी सड़कें और इमारतें हैं, 650 योजनाएँ हैं। 4 योजनाएँ महात्मा गांधी और अम्बेडकर के नाम पर हैं, 2 योजनाएँ लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर हैं, और आप कह रहे हैं कि हम महात्मा गांधी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे नरेंद्र मोदी हटा देना चाहता है उनको? नहीं, मैं उत्तर दे देता हूँ रोहित जी। क्या महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, इनके जितने भी वर्ष कार्यकाल के रहे हैं, क्या उसको किसी से कंपेयर किया जा सकता है? क्या इनके बलिदान को किसी के बलिदान से कर रहे हैं? 2.5 साल से यही तो कर रहे हैं कंपैरिजन। 5 एयरपोर्ट हमने ये कर दिया, तुमने क्या किया? आप खुद ही कर रहे हैं 2.5 साल से कंपैरिजन। सर रोहित जी आपने प्रश्न पूछा, आप ही उत्तर देंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं तो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। गांधी फैमिली के नाम आपको जैसे मुझे भी हिंदुस्तान के अंदर, सर हिंदुस्तान के अंदर छोटे और बड़े, सर छोटे और बड़े मिलाकर 100 से ज्यादा एयरपोर्ट है। इसका मतलब आपने अपना उत्तर दे दिया कि 95 नाम जो है वो गांधी फैमिली के बाहर भी है। आपने कहा 74 सड़कों के नाम गांधी फैमिली पर है। इस हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा सड़कों के नाम है। इस आपने बता दिया कि 99,09,995 जो सड़कें हैं वो गांधी फैमिली के नाम पर नहीं। मैं समझता हूं आपको उत्तर मिल गया होगा। आपने कहा 18 योजनाएं हैं इस देश के अंदर, 18 लाख योजनाएं आज तक आई, 18,000 योजनाएं आज भी वर्तमान में केंद्र सरकार की चल रही है। सर मैं जानना चाहता हूं, सर मैं बता रहा हूं ना सर, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। मैं कह रहा हूं 18,000 योजनाओं में से अगर 18 योजनाएं, 74 योजनाएं, 100 योजनाएं गांधी फैमिली के नाम पर हैं, तो बाकी सब नॉन गांधी फैमिली के नाम पर हैं। आपको उत्तर मिल जाना चाहिए था। लेकिन आज का जो विषय है उस पर आ जाते हैं। आपने कहा कि साहब गांधी जी के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मोदी जी को वहां पर स्थापित किया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा केवीआईसी जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है उसके जो कर्मचारी हैं, जिस दिन वो कैलेंडर और डायरी लॉन्च हुई उस दिन काली पट्टी बांधकर उन्होंने विरोध किया। दूसरी चीज, आप हम आज का अखबार पढ़िए, उसमें लिखा है रिमूव पीएम फोटोज फ्रॉम होर्डिंग्स इलेक्शन कमीशन। पिछले 1 साल के अंदर 992 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुए, जो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। नोट के ऊपर गांधी जी का फोटो आज तमाम जगह से न्यूज आ रही है कि उड़ जाता है, मिट गया है। पीआईबी का जो आपका डायरी और कैलेंडर छपता है, आप जर्नलिस्ट हैं, वहां पर भी मोदी जी का पहले छोटा फोटो था, फिर बड़ा हो गया और जर्नलिस्ट ने उस कैलेंडर को लेने से मना कर दिया। कारण क्या है कि इनकी विचारधारा से ही गांधी जी गायब हैं। आप कह रहे हैं कि साहब हम खादी को प्रमोट करने के लिए गांधी जी को हटाकर मोदी जी को बैठाना चाहते हैं। आप कमाल कर रहे हैं, खादी के साथ से आप गांधी जी को हटाकर मोदी जी को प्रमोट करेंगे? ये आपका केवल अहंकार हो सकता है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा कि साहब नहीं, आपने कहा कि गांधी जी का चश्मा हमने यूज किया तो स्वच्छता बढ़ गई। मैं जानना चाहता हूं क्या गांधी जी का चश्मा भी मोदी जी ने प्रमोट कर दिया? अरे भाई ऐसा तो मत बोलिए। अंत में एक दो चीजें कहना चाहूंगा कि मैंने दोनों कपड़े जो पहने हैं मेन वो खादी के हैं। और दूसरी चीज, नहीं नहीं आपने 3 बार पूछा तो बता दूं मैंने खादी पहना हुआ है। मेरी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा खादी पहनता हूं, लेकिन आज पहना हुआ है। दूसरी चीज,
ठीक है, पहना अच्छी बात है ना सर, चाहता हूं अच्छी बात है, तब तो और कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख रहे होंगे आप। उनसे पूछिए गांधी जी के कितने फोटो आज तक आरएसएस के ऑफिस में लगे। कह रहा हूं सर अच्छी बात है, आज खादी का कमीज पहने तो और कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होंगे। राकेश सिन्हा, एक तो उन्हें बता दीजिए कि आरएसएस के कितने दफ्तर में गांधी जी का फोटो लगा है, और दूसरा जो आप बात पहले कह रहे थे, मेरा सवाल यह है बड़े सीधे तौर पर कि उस बात का आज की बात से क्या लेना देना, आप लोग क्यों उस चीज को विवाद का विषय बना रहे हैं जबकि आलोक जी उसको क्लैरिफाई कर चुके हैं साफ साफ। नहीं, मैं बताता हूं, अजय हस्तक्षेप ना करें, मेरी बात 30 सेकंड में सुन लें। देखिए बात क्या है कि सांकेतिकता होती है एक, उसके लिए सबस्टांसिव काम करना होता है, सिंबोलिज्म और सबस्टांसिव। एक उदाहरण सुन लीजिए, दो ही व्यक्ति थे जो ब्रिटिश बार में बैन थे, बताइए ना गांधी और श्याम जी कृष्ण के फोटो लगे, श्याम जी कृष्ण, जरा बताइए बात को घुमाइए मत। अरे भाई मेरी, अरे मैं बताता, अरे पहले एक बात तो सुन लीजिए, आप घबराते बहुत हैं। नागपुर के ऑफिस में गांधी जी का फोटो लगा है। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए आलोक जी, आलोक जी मेरी बात सुनिए, आप ये धौस मत दीजिए, ये रोम वाली धौस, पेना के दफ्तर ले जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप सुन लीजिए, श्याम जी कृष्ण वर्मा का निधन मार्च 1930 में, उन्होंने अपने विल में लिखा था कि मेरी शरीर को शब्द से जलन है, वो भारत में दफनाया जाए। 1930 से लेकर नेहरू गांधी परिवार बताए कि 1930 से लेकर 2003 तक श्याम जी कृष्ण वर्मा एक क्रांतिकारी का अस्थि कलश जेनेवा में पड़ा रहा। 2003 में नरेंद्र मोदी जेनेवा से अस्थि कलश लाते हैं। सवाल नरेंद्र मोदी की प्रशस्ति का नहीं है यार, बेकार के मुद्दे मत उठाइए यार। आप बताइए ना सर, 70 साल से देश को गुमराह किया, सरकार गांधी के नाम पर आप लोग किस तरह से बातें करते रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न देना चाहिए, 3 साल हो गए गांधी जी के नाम पर, महात्मा गांधी 1914 के दिसंबर 3 साल में शुरू किए तो बताइए आलोक जी गुमराह करने बार बार आप लोग मानेंगे तो मुझे चर्चा खत्म कर देनी पड़ेगी गांधी जी के नाम पर। गांधी जी के चर्चा खत्म कर देनी पड़ेगी, सबको पता है गांधी के नाम की लूट मची थी, किसने लूटा, किसने कितना खाया। सर गांधी जी के नाम की बताया नहीं, आरएसएस के कौन से कार्यालय में गांधी जी का फोटो लगा हुआ आपने बताया नहीं एक बार। आप गए कैन के नागपुर दफ्तर, जाते थे क्या आप भी वहाँ? आप गए हैं चलिए चलिए आप आरएसएस के दफ्तर चलिए ना, गए कैन के नागपुर दफ्तर, राकेश जी ले जाएंगे आपको आज, बताइए तो सर, जाइए जरा। मैं नहीं जाऊंगा, बता दीजिए कि मेरा समय हो गया खत्म, और आप लोग अपनी स्थिति में रहे नहीं सर, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। पे विश्वास नहीं करते हैं हम, बता देंगे आलोक जी, आप दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है सर, मैं ये बात चर्चा यही खत्म कर रहा हूँ। गांधी जी के नाम की लूट मची थी, सबको पता है किसने कितना लूटा कितना खाया, हर कोई उतना ले गया जितना जिसके हाथ में आया। फिलहाल इतना ही।